hello friends now in this topic we are going to see eukaryotic cell means animal cell eukaryotic cell is multicellular as we know that now you can see here the ultrastructure of eukaryotic cell in this cell cell wall is absent and the outer layer is a plasma membrane as we have seen in prokaryotic cell

ऑर्गेनल है जो अपने खुद के सेल ऑर्गेनल जो डैमेज हो जाते हैं उसको एनगल्फ करता है इसीलिए उसको सुसाइड बैक कहते हैं वेसिकल्स भी सेल ऑर्गेनल है माइक्रोट्यूबल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सेल को स्केलेटन देने का काम करते हैं मीन्स सपोर्ट देने का काम करते हैं जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल को शेप देते हैं या फिर स्केलेटन देते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल को शेप देता है और मेंटेन रखता है उसका शेप अभी यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस ये जो सर्कल है ये न्यूक्लियस है जो डबल बाउंडेड है डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस so, के अंदर ये जो राउंड देख रहे हैं आप ये न्यूक्लियोलस हैं और ये क्रोमैटिन मटेरियल मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल हम कह सकते हैं और जब सेल के अंदर फ्लूड पार्ट जब प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं बट न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमें जैसे पता है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जहाँ पर ए जनरेट होता है और एफ वन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो ये ट्रांस पार्ट है वो हमेशा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ फेस किए होते हैं और जो सिस पार्ट है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होते हैं वो चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो यहां पर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ट्रांस पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है और सिस पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है जो ये जो आप देख रहे हैं फोल्ड्स इसे सिस्टरनिस कहा जाता है और ये सिस्टरनिस के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो वो न्यूक्लियस से अटैच होता है अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो उसे हम आर ए आर कहेंगे जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अगर जिस जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एबसेंट होते हैं उसको हम एस ई आर कहेंगे जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं सेंट्रोमियर हाँ एक पॉइंट रहेगा सेंट्रो सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन के वक्त काम आता है मीन्स स्पिंडल फाइबर्स जैसे हम देखेंगे माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस वहाँ पर सेंट्रोमियर क्या करता है स्पिंडल फाइबर्स अटैच करता है क्रोमेटिन मटेरियल को सेपरेट करने के लिए या फिर मेटाफेज में मिडल इक्वेटोरियल रीजन पर अटैच करने के लिए सो नाउ वी विल स्टार्ट eukaryotic cell is a animal cell cell is a animal cell cell wall is absent in eukaryotic cell or a animal cell cell wall is absent एनिमल सर आउटर लेयर आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बाय लेयर होती है आउटर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अ बायर स्ट्रक्चर मेरअप ऑफ लिपी एंड प्रोटीन हम प्रो कैरेटिक सेल में भी देखे थे कि प्लाज्मा में चीज से बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से सेम यूकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स शेप सेल इट गिव्स इट गिव्स मीन्स मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट गिव्स शेप टू सेल एंड ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल फॉरेन मटेरियल क्या होता है फॉरेन मटेरियल ऐसे मटेरियल जो बाहर से सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस लिए हेल्पफुल होती है अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको सेल के अंदर एंट्री देने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है जिलेटिनस मैट्रिक्स कॉल एज साइटोप्लाज्म। एज आई से यू जो भी फ्लूइड पार्ट होता है सेल के अंदर उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं बट वो कैसा होता है जिलेटिनस जेल लाइक होता है जिलेटिनस मैट्रिक्स कॉल साइटोप्लाज्म सभी सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लियस माइक्रोकॉन्ड्रिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइजोजोम ये सब क्या है सेल ऑर्गेनल्स हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है या फिर सेल मटेरियल है वो किसके अंदर सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल सेल मटेरियल आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म माइक्रोट्यूबल्स माइक्रो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है बट उसका जो फंक्शनिंग है वो सेल को स्केलेटन देने का काम है सपोर्ट देने का काम है जैसे हमारी बॉडी में भी स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है वैसे ही माइक्रोट्यूबल्स गिव स्केलेटल टू सेल उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस जो ये सेल का सेंटर है इट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियस द सेंट्रल एंड कंट्रोलिंग सेंटर एंड कंट्रोलिंग Controlling center of cell is nucleus. You can see here the nucleus is a double membrane structure. So we will write here nucleus is a double membrane structure. और जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है फ्लूड पार्ट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म के साइटो जो मैट्रिक्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल न्यूक्लियो प्लाजम जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियो प्लाजम कहते हैं और जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं The circular structure, structure, it's circular structure in nucleus called Nucleolus. यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल है वो किस चीज के फॉर्म में होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में होता है द डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिक मटेरियल सभी जो न्यू जेनेटिक पार्ट होता है तो या फिर न्यूक्लियस में जो होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाजम ये सब के वजह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है और न्यूक्लियोलस ऐसा सेंटर है जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस राइबोसोम सिंथेसिस नहीं करता बट न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस करता है न्यूक्लियस इज़ अ Brain of cell nucleus is brain of the cell. Nucleolus is the center, nucleolus is the center where ribosome. Are synthesized now here the sister knee, I have said you that these folds are known as sister, sister knees, and this sister knees formed from nucleus nucleus se form of the sister knees. sister is form from nucleus having ribosome on the surface called एंडोप्लाज्मिक reticulum जो सिस्टर्निस के ऊपर सिस्टर्निस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बिकॉज वो सरफेस रफ हम देख सकते हैं सरफेस रफ दिख रहा है बट ये भी सिस्टरनीज है ये भी न्यूक्लियस से सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियस से ही होते हैं फॉर्म बट उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है जिसका सरफेस एकदम स्मूथ है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे द सिस्टरनी राइबोसोम आर एबसेंट कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर फेस किए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ सिस फेस कहाँ पर होता है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और ट्रांस फेस न्यूक्लियस की तरफ एस ई आर विल राइट इन शॉर्ट एस ई आर फेस्ड टूअर्ड्स Plasma membrane. The trans transpart trans part of ER RER means of endoplasmic reticulum is towards the plasma membrane. ये अपोजिट है यहाँ पर सीस पार्ट कहाँ पर फेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और यहाँ पर एंडो रफ एंडोप्लाज्मिक में ट्रांस पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस्ट होता है ये वी कैन राइट सीस पार्ट ओके नाउ एंड द सीस पार्ट ऑफ गोलगी कॉम्प्लेक्स फेस टुवर्ड्स द आरियाज Rough part, sorry, the cis part of Golgi complex face towards the RER. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिस पार्ट है वो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये इसका जो सिस पार्ट है वो एंडोप्ला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस है और जो ट्रांस पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है यहाँ पर भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सेम है जो ट्रांस पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है और सिस पार्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ है ये सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही ये जो पार्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स यू कैन सी यर ये जो पार्ट है उसको ट्रैफिक सेंटर कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ट्रैफिक सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया एज से यू माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल लाइजोजोम, लाइजोजोम क्या होता है मैं आप सबको बोल चुकी हूँ लाइजोजोम सेल ऑर्गेनल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जो खुद के सेल ऑर्गेनल अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसको एनगल्फ करता है मीन्स उसको खुद ही खा लेता है उसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है लाइजोजोम आर सिंगल मेम्ब्रेन Structure filled by hydrolytic enzyme called suicide bag. सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर जैसे कि ये लास्ट पॉइंट है सेंट्रोमियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच है वो कहाँ पर फॉर्मेशन कहाँ पर फंक्शनल होता है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की नीड होती है जैसे कि सेल डिवीजन, सेंट्रोमियर फॉम सेंट्रोसोम spindle fiber fibers during cell division so this is the description of ultrastructure of eukaryotic cell thanks friend for watching my video